आरके आश्रम के कालीबाड़ी मार्केट गोल झुग्गी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, हम वहाँ मौजूद हैं। पिछले 6 सालों में कई तरह की योजनाएं चालू हुई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान और अभी प्लास्टिक को लेकर एंटी प्लास्टिक अभियान की शुरू की जाएगी महात्मा गांधी की जयंती के साथ। इस सारी योजनाओं के बीच में इन लोगों का जीवन कितना बदला, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ या नहीं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सन 1974 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं जिस नई दिल्ली क्षेत्र में, और यहाँ के जो भी विधायक होते हैं वो यहाँ का CM भी होता है, ठीक है, नई दिल्ली एरिया का। और जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की राजधानी, दिल्ली का जो नाक है वो गोल मार्केट क्षेत्र है, और गोल मार्केट क्षेत्र में कालीबाड़ी मार्ग पे जो C31JJKM हमारा बसा हुआ है, उसमें जो है हमें सुविधाएं जो है सरकार से सुविधाएं आती हैं, वो सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती। यहाँ के लोग मान लीजिए बीमार पड़ते हैं, हाँ, क्या सुविधा है? तो या तो RML जाते हैं, अगर कुछ गायनी वगैरह की है तो लेडी हार्डिंग जाते हैं। मीटर यहाँ फास्ट चलाए जा रहे हैं, तो NDMC वाले सीधा कहते हैं कि जी केजरीवाल जी ने जो है ना, केजरीवाल जी का एरिया नहीं है ये, माननीय मुख्यमंत्री जी का एरिया नहीं है, क्योंकि NDMC जो है वो सेंटर की है और सेंटर ने ये बिल माफ नहीं किए हैं। कभी कभी गाड़ी आती है जैसे डिस्पेंसरी की, बच्चों को टीका वीका के लिए, वो सब प्रॉपर आते हैं। क्या कामकाज क्या करते हैं आप? सर मैं तो बेकार हूँ जी, बेकार हूँ। अच्छा, हाँ जी। अब कैसा है वो सरकारी स्कूल, वहाँ पे क्लासरूम कैसा है? अच्छी है। केजरीवाल जी के रहते हुए ये बात मालूम, ये बात हम कह सकते हैं कि माननीय केजरीवाल जी के आने पर हमारे जो दो दो तीन तीन मंजिल हमने जो मकान किराए पे जो चला रहे हैं या अपने जो बना लिए हम लोगों ने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने, बस ये है। और हमें आज तक जो 1974 से लेके आज तक जो सरकार चाहे तो हमें जगह दे सकती है, लेकिन जगह नहीं दे रही अभी तक। क्या नाम है आपके स्कूल का? NP बंगाली गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके अंदर मतलब बहुत सारी वाटर कूलर्स आ गए, अच्छे से फैन वगैरह आ गए। जो काम करना चाहते हैं केजरीवाल जी, लेकिन LG साहब के पास फाइल जाती है या तो वो अटका देते हैं या अपोजिशन पार्टी अटका देती है, तो नुकसान किसका है? नुकसान है जनता का। वैसे तो गलत हो रहा है, जो रोड़े डाले जा रहे हैं उनको काम करने दें, जिस ढंग से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कराना चाहते हैं, उस तरीके से उनको काम हो नहीं रहा है। अच्छा, हमें भी लगता है जो काम करने चाह रहे लेकिन काम नहीं हो पा रहा। और काम कौन क्यों नहीं हो पा रहा है? अब तो सरकार मिली भगत है दोनों, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। जनता के लिए कुछ केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए हैं, ये नहीं है कि अच्छे काम नहीं किए हैं, वो काम अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो 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 अपोजिशन पार्टी या जो भी LG साहब वगैरह उनको फाइल जो अटका देते हैं, जब उनके साथ जनता मौजूद है, जनता उनका समर्थन कर रही है ना। देखो काम तो किया है, केजरीवाल ने भी किया है और मोदी भी कर रहे हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया है। अपने टाइम पे कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन देखो चेंज होता रहना चाहिए। अब आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।